आसमान तले एक साल से जीवन बसर कर रहे हमीरपुर के पार्ट नंबर एक के बाशिंदे करतार चंद की मदद के लिए लोग आगे आए हैं। चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद समाज सेवी संस्थाओं ने भी करतार चंद से मिलकर साथ देने की बात कही है। इसी कड़ी में धर्मशाला के जयसिंहपुर से समाज सेवी संजय शर्मा ने करतार चंद से मुलाकात की और बाद में उपायुक्त हमीरपुर राकेश प्रजापति से मिलकर पीड़ित को छत मुहैया करवाने के लिए मांग की। साथ ही संजय शर्मा ने उपायुक्त को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 10 दिनों के भीतर करतार चंद के मामले में कार्यवाही नहीं हुई तो डीसी कार्यालय में ही बिस्तर लगाकर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि गत 2 दिन पहले ही चैनल पर प्रमुखता से बेघर करतार चंद की खबर चलाई गई थी और उसके बाद वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी करतार चंद की सहायता के लिए आश्वासन दिया है। डीसी से मुलाकात करने के बाद पीड़ित परिवार के सदस्य करतार चंद ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि कांगड़ा से समाज सेवी संजय शर्मा ने घर पर आने के बाद सहायता करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जल्दी से घर बनाया जाए ताकि समस्या से निजात मिल सके। ऐसे अच्छा लगा मुझे, लेकिन मेरी सहायता करने के लिए डीसी के पास गए, वो खड़े होकर वहां से उन्होंने मेरी बारे में बताया सब कुछ। अब मैं बहुत खुश हूँ इसके बारे में कि इतने दूर से मेरे पीछे आदमी आए और मेरा कुछ हल निकालने के लिए डीसी पास के पास पहुंचे, धर्मशाला से आए इतनी दूर से। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मेरे भी है कोई मदद करने वाला। तो डीसी साहब ने इनको टाइम दिया, जी भाई हम कुछ 10 दिन के अंदर इनका बंदोबस्त करते हैं कुछ। थैंक यू। वहीं समाज सेवी संजय शर्मा ने कहा कि प्रशासन का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। उन्होंने कहा कि डीसी से मिलकर 10 दिन का समय दिया गया है, अगर 10 दिन के बाद भी करतार चंद के बारे में कार्यवाही नहीं होती है तो डीसी कार्यालय में ही बिस्तर लगाकर प्रदर्शन शुरू करेंगे। हमारा ऐसा है, करतार चंद जी ये जिला मुख्यालय के करीब ये गाँव पड़ता है उपमहल अणु करके, वहाँ के निवासी है ये। इनका मकान पिछले साल फॉरेस्ट विभाग ने, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर था, वो गिरा दिया गया था। हम लोगों को एक बात समझ नहीं आई कि इंडिविजुअल मकान को गिराने की क्या जरूरत पड़ गई थी फॉरेस्ट विभाग को। तो उसी सिलसिले में आज हम डीसी साहब के पास आए थे, डीसी साहब के नॉलेज में ये बात डाली है कि और पिछले एक साल से ये लोग बिना छत के खुले आसमान में रह रहे हैं, ये पूरा परिवार खुले आसमान में रह रहा है। इनकी धर्मपत्नी जो है वो शुगर की पेशेंट है और ऑलमोस्ट टेंशन की वजह से वो डॉक्टर ने उनको बड़ी ये कहा है कि आप बहुत टेंशन ना करें। इनके पति देव जो है उम्र हो चुकी है, मजदूरी कर नहीं सकते हैं, खुले में रह रहे हैं, बेटे को भी कहीं सिर में चोट आई है तो वो भी, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उसी सिलसिले में आज हम डीसी साहब को नॉलेज में ये बात लाई है आज, और डीसी साहब को बताया गया है कि आप काइंडली इस केस को खुद देखें और खुद हैंडल करें और इनको छत मुहैया करवाई जाए, क्योंकि शासन प्रशासन का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता है। एक तरफ से उजाड़ा जा रहा है गरीब परिवार को, उस सिलसिले में आए और डीसी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग इनका कुछ कोई ना कोई इंतजाम पक्का कर देंगे। और आपको, मेरे को खासकर बोला गया कि धर्मशाला से आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 10 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं इन लोगों का बिस्तरा भी और अपना बिस्तरा भी यहाँ साथ डीसी ऑफिस के बाहर लगा दूंगा। तो फिर गौरतलब है कि हमीरपुर के वार्ड नंबर एक में गत वर्ष वन विभाग ने जमीन पर कब्जा होने के कारण रिहायशी मकान पर बुलडोजर चला दिया था और तभी से लेकर अब तक करतार चंद अपने परिवार के साथ आसमान तले झुंगी झोपड़ी में रहकर गुजारा कर रहा है। अवैध अतिक्रमण को हटाने पर केवल चुनिंदा एक गरीब परिवार पर ही बुलडोजर चलाए जाने से वन विभाग की कार्यप्रणाली भी कटघरे में आ रही है।